नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक महिला शिक्षिका प्रतिदिन नदी पार करके बच्चों को पढ़ाने धौरपुर के प्राथमिक स्कूल जाती है। महिला शिक्षिका अपनी कर्तव्यों का पालन और बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए एक दो दिन नहीं बल्कि हर रोज नदी पार करके स्कूल पहुँचती है। महिला शिक्षिका के जज्बे का एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं बलरामपुर के कलेक्टर ने भी इस महिला की तारीफ की है। नदी पार करते हुए जिस महिला शिक्षिका का वीडियो सामने आया है उनका नाम कर्मिला टोप्पो है। कर्मिला टोप्पो बलरामपुर जिले के झिंगो गांव में रहती हैं। उनकी पोस्टिंग वाड्रफ नगर विकास खंड में गुरमुट्टी गांव के धोरपुर प्राथमिक स्कूल में हुई है। ये एक आदिवासी मोहल्ला है जो नदियों और जंगलों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर प्राथमिक स्कूल का संचालन किया जाता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में इडिया और मूरन दो बड़ी नदियाँ पड़ती हैं, जिन्हें पार करके ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। कर्मिला टोप्पो ने बताया कि यहाँ मेरे रास्ते में दो बड़ी नदियाँ पड़ती हैं, जिन्हें पार करके मैं रोजाना आती हूँ। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और बच्चों के भविष्य के लिए मैं प्रतिदिन आती हूँ।